बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। आज की मेरी वीडियो को जून के कल सालन बनाया नहीं थी, सर्दी बहुत ज़्यादा, साग पड़ा था उसके साथ ही खाया, तो बच्चों ने खाना खाया नहीं, तो मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि बुखार, थकान, उल्टियाँ, इस तरह सारे बच्चे बीमार हुए हैं। तो अभी मेरा दिल है, ये गोश्त निकाला है, डब्बे में पड़ा है, मैं कल का थोड़ा सा, तो ये आलू और प्याज श्याज हर चीज़ निकाल के ना मैंने कहा शोरबे वाला सालन बनाती हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि और कोई सालन मम्मा जी बना के दो, तो खाएंगे नहीं। अब मम्मा को भी काफ़ी उल्टियाँ आ रही हैं बारात सारी की, तो अभी ये मैं भी इसका सेकती हूँ, मैंने कहा इनको कुछ बना के देती हूँ, तो वो फिर फूट के मेरे पास ना आ गई है। तो कल के इसके पापा चले गए हैं, तो इसने मामा जी मुझे पापा की याद आ रही है, तो इसलिए बीमार होकर फिर बैठ गई है। तो अभी सालन बनाती हूँ, साथ साथ बच्चे दवाई शवाई इनको भी देती हूँ, मेडिसिन जो भी है। हाँ जी, क्या हो रहा है? अब बिस्किट खा के देख, बिस्किट का नींबू ना खाएंगे जी, बिस्किट खा के देख। मैं सब्जी बना ला ना, बना ला फिर थोड़ा कुछ जो भी पका के देना, कोई चीज़ से खाओ ना, उल्टियाँ आ ही जाती हैं। मैं क्या थी केक लेके आई थे, बिस्किट लेके आई, जो नींबू ले आती है ना। चलो मैं देख ला, नहीं चलो फिर से हम बैठ के खा लो। अदरक शदरक हर चीज डाल के बच्चों को देती हूँ, सालन बना के साथ में रोटी पका के फिरी, जो इनकी कुछ तबीयत ठीक हो जाए। तो अभी कोई समझ नहीं आ रही सुबह सुबह के क्या काम करूं। बज चुके, सुबह भी नहीं है, तकरीबन 12 बज चुके हैं, सुबह नहीं है अभी, लेकिन अभी 12 बज गए हैं। तो सुबह की हमने खाना शाना, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, ये अपने पास से उठने नहीं देते, अगर उठती हैं तो सर्दी लगती है इनको और ज़्यादा। तो अल्लाह पाक ने धूप तो निकाली नहीं है नए साल में अभी तक। चलो जी, अल्लाह जहाँ रखे खुश रहना चाहिए। सर्दी नहीं भी थी तब भी हमारे जैसे कहते थे, अभी सर्दी आई नहीं है, सर्दी आई नहीं, अभी सर्दी आई है तो फिर भी सर्दी से भी कम गए। प्याज भी बड़ा महंगा है, प्याज भी कटन लगे बाजार लगता भी 220 रुपए प्याज लेके किलो खाना पे ना, फिर भी पता चलता ना सानू की कोई चीज खाधी है या नहीं खाधी। अदरक पा लें, नाल को थोड़ा बहुत प्याज पा के अपना डंग लगा लें। गरीब बंदे ने की खाना है तो की नहीं खाना। चलो मेरे बेटा बिस्तरे चलो, मैं सालन बना के ना हमें आ जाऊंगी। और मैं दस कि चीज खानी है, नाल असी आलू छेड़ने हैं। बेटी उधर चले गई है, रजाई मैं जल्दी जल्दी बनाना, वरना ये पापा चले गए उन्होंने तो बगैर रहती नहीं सी, हम जिधर भी जाना नाल जाना। तो फिर क्योंकि अजकल मावा की इन्नी नहीं वैल्यू, जिनी बाप की वैल्यू होती है बच्चों के नाल, तो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डांट भी दी हूँ बच्चों, जो कोई काम गलती छत्ती कर उन्होंने नाल ना रखना हों, बस उन्होंने डांटना भी तो प्यार के नाल ही, मैं उसे ना डांटना हों। इस वास्ते हूँ मैं मां बेटी ना कल दी मंजे ते पै गई, हुण दो चार दिन लगनगे ते फिर जाके सही होएगी। सर्दी च आलू भी नहीं कटे जा रहे, कैमरा बंद कर दिया तो फटाफट सारियां चीजां तैयार कर लैनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मसाला तैयार हो चुका है। अभी इसमें मसाले डालने हैं, लहसुन प्याज टमाटर मेथी हर चीज़ डाल के ना मैंने पेस्ट बना लिए। इनकी बनाई हो गई है अच्छी तरह। अभी ये गोश्त रखा हुआ है, बस दो चार ही बोटियाँ खानी, बाकी बच्चे खाते नहीं इतने। आलू गोश्त हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। आलू मैंने वॉश करके रख लिए हैं। ये मसाले की बनाई हो गई है अच्छी तरह, तो अभी इसमें दूसरे मसाले डालने हैं। बस हल्के हल्के दो चार चीज़ें ही डालनी हैं, तो अभी ये डालती हूँ। आटा कल का ही गूंदा हुआ, यानी कि शाम का पड़ा है, वो ही खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्च बिल्कुल कम खानी है, क्योंकि अपनी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ज़ख्म फिर ज़्यादा मैदे में और हो चुके हैं, तो इसलिए हल्दी ज़्यादा डाल लेते हैं थोड़ी सी। हल्दी कहते हैं ज़ख्मों के लिए अच्छी है, तो मिर्ची बिल्कुल ही कम खानी है, तो मिर्ची भी डाली है। अभी मिक्स करती हूँ और मसाले की बुनाई करती हूँ। ये कल ब्रेड बनाए थे गोश्त, उस वक्त का नरम करके रखा हुआ है। ये मसाला अच्छी तरह बना लूँ तो फिर गोश्त डाल दूँ। इसमें मैंने पालक मेथी और धनिया भी ऐड किया है मसाले में, क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मसाला बनाना हो तो बस इस तरह सन बना के ना अपना दो टाइम की रोटी जो खानी है वो खा सकते हैं। अभी मसाले वाले डब्बे बंद करके रख लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मसाले की बनाई अच्छी तरह कर ली है। मसाले ऐड करके भी अभी इसमें ऐड करना है। ये गोश्त पहले फ्राई किया हुआ है, यानी कि घी में इसकी बनाई की हुई है। ये ऐड करती हूँ। वो दो कलेजियाँ हैं दोनों बेटों की, मम्मा कलेजी खाती नहीं है, वो दूसरी बोटियाँ खा लेगी। बाकी दूसरों ने कबीर कहता है मैंने बोटी नहीं खानी, दांतों में फंस जाती है। चलो जी, इसकी बनाई साथ में आलू डालती हूँ, ये भी साथ में बनाई हो जाएगी। चलो जी, आलू डाल दिया, आलू को नहीं कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अच्छी तरह बनाई हो गई। अभी इसमें ऐड करना थोड़ा सा पानी कि आलू अच्छी तरह नरम हो जाए। तो वैसे भी बच्चों ने लंबा शोरबा खाना है, क्योंकि समीर बेटे को शोरबा ज़्यादा पसंद है, कबीर को भी है, लेकिन समीर और कबीर दोनों कहते हैं शोरबे वाला सालन हो तो फिर माशाल्लाह रोटी खा लेते हैं, अगर सूखा सूखा हो तो फिर नहीं खाते। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ कि अच्छी तरह पक जाए। ऊपर से कवर करती हूँ और पकने के लिए पानी छोड़ देती हूँ। आटा पड़ा है, रोटियाँ बना लेती हूँ उतनी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन में पानी डाल दिए, पक रहा है। अभी रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में मक्खन रखा हुआ। कबीर और समीर कहते हैं हमने सूखी रोटी नहीं खानी, फिर उनको साथ में पराठा बना दूँगी बस। और रोटियाँ फटोफट बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन साढ़ा तैयार हो गया है, तो बच्चों ने देता मैं रोटी भी देती है, हम नाल ही दूध रख लिया गर्म होने वास्ते। समीर कबीर इधर बैठ के खा रहे हैं और रोटियां बनाइया तो सारा धुआं हो गया है। हूँ मेहमान देख के आनी है, मेहमान उल्टियां करती करती मेरा ख्याल सौ गई है, फिर तो थोड़ी देर वो अख लग ले, तो पहले आप ही रोटी खाने फिर उन्होंने देखते हैं, क्योंकि समीर कबीर कह रहे हैं कि मेहमान सौ गई है, पहले इन्हें रोटी खिला लें तो फिर उन्हें देख के खिलानी है, क्योंकि आँख लगी है उसकी, थोड़ी देर की उन्हें सुकून मिल जाते हैं। मेहमानों उल्टियाँ आ रही हैं, नाल बुखार है, ब्रूफन शरबत लिया डॉक्टर भाई को। हाँ जी जी, मौसम बिल्कुल धूप शुभ कोई नहीं है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई। नीचे चलते हैं,
नीचे मेथी मंजी तो पाई है, वह पकानी सी। मेहमान आ गए, मामू का बेटा तो दोनों मामू के बेटे आए थे, वह गए हूँ। तो यानि कि भाभी आसिया के भाई वह गए, चाय पानी उन्होंने पिलाया। तो हूँ मैं क्या मेहमान दवाई दे लैके देखा एक बार, क्योंकि पहले दवाई पई सी ख़त्म हो गई तो हूँ लई है। तो जी साड़ी सब्जी का सूरत हाल, तो हूँ ये सारी खाद पानी के नाल खराब हो गई है। तो हूँ चलदी नीचे फिर पानी पकाऊंगी इन्हों।